दोस्तों पहले T20 इंटरनेशनल में टॉस जीतकर पिच का फायदा उठाते हुए कंडीशंस को समझते हुए बॉलिंग करी इंडियन टीम ने और मैच आसानी से अपने नाम किया। और अब बारी है सेकेंड T20 इंटरनेशनल मैच की जो आज शाम को खेला जाएगा, रोहित शर्मा बनाम कायरन पोलार्ड, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ये है सेकेंड T20 इंटरनेशनल जो की होगा बेहद दिलचस्प, क्योंकि वेस्ट इंडीज के साथ दोस्तों कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। टीम काफी स्ट्रांग है, हालांकि थोड़े नाइव डिसीजंस जरूर लिए हैं वेस्ट इंडीज ने, लेकिन इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में वो भी जीतने की प्रबल दावेदार है। तो आज के इस प्री मैच एनालिसिस में चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेड टू हेड कंपैरिजन के साथ। 18 मैचेस दोनों टीम्स के बीच अब टोटल हो चुके हैं, 11 मैच इंडियन टीम ने जीते हैं, तो 6 मैचेस में वेस्ट इंडीज का बोलबाला रहा है। डिफरेंस काफी ज्यादा है और ऐसे में वेस्ट इंडीज चाहेगी इस डिफरेंस को कम करना। दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सी टीम जीत रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर कौन सा बल्लेबाज और कौन सा गेंदबाज इस मैच में चमकने वाला है। भाई चलिए अपना एनालिसिस में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ईडन गार्डन्स में मैच होने वाला है, टोटल 9 मैच हो चुके हैं जहां पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है और रन चेस करने वाली टीम 6 बार जीती है। दोनों टीम्स की नजरें होंगी टॉस पर और जीत कर करना चाहेंगी गेंदबाजी। हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान का यहां पर 201 रन और लोएस्ट स्कोर है 70 बाय बांग्लादेश। दोस्तों क्या लगता है, इस बार ये हाईएस्ट स्कोर बदल सकता है जब खेल रही है दो ऐसी टीम्स जिनके पास है धाकड़ बल्लेबाज, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। स्कोरिंग पैटर्न की बात जहां तक है तो दोस्तों बिलो 150 का स्कोर 4 बार बनाया गया है, अबव 150 का स्कोर भी 4 बार बनाया गया है, अबव 190 का स्कोर 1 बार बनाया जा चुका है। और यहां पर अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो वो 150-160 के आसपास हो सकता है। Now, moving on to the teams, दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले भाई जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स। सो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और क्रिकेट के सभी वीडियोस का लुफ्त उठाएं। भाई लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इंडियन टीम के बारे में। ओडीआई सीरीज जीतने के बाद अब इंडियन टीम T20 मुकाबले में भी एक अच्छी रणनीति अपना रही है। रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, प्लस इन्हें मिल रहा है सूर्य कुमार यादव का। टीम नो डाउट बॉलिंग एंड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे हैव प्रिटी गुड बॉलर्स जो कि फॉर्म में नजर आ रहे हैं। भाई अगर हम इनके लाइनअप पर गौर करें तो दोस्तों हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करी, हालांकि डेथ ओवर्स में थोड़े से महंगे जरूर हुए थे, लेकिन ओवरऑल इन्होंने 2 विकेट निकाले थे। रवि बिश्नोई का शानदार डेब्यू हुआ है, 4.20 की इकोनॉमी के साथ इन्होंने 2 विकेट अपने नाम करे थे। चहल का जो रोल है दोस्तों यहां पर काफी डायनेमिक है, एंड वी नो ही इज केपेबल ऑफ टेकिंग विकेट्स, तो ऐसे में ये 3 बॉलर्स पर तो डिपेंड किया जा सकता है। वेंकटेश अय्यर टीम में एक एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पर कारगर साबित होते नजर आए थे लास्ट मैच में। और दोस्तों आपके हिसाब से यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या हार्दिक पांड्या का विकल्प है वेंकटेश अय्यर, यहां पर आपके हिसाब से क्या लगता है, वेंकटेश अय्यर को एक लॉन्ग टर्म में देखा जा सकता है इंडियन टीम की जर्सी में, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो है बॉलिंग अटैक जहां दीपक चहर से उम्मीद होगी कि वो थोड़ा रनों पर लगाम कसे। अब बात करी जाए इनके बैटिंग लाइनअप की, तो भाई पहले मैच में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करी थी, 210 के आसपास के स्ट्राइक रेट के साथ 40 रन ठोके थे, और इन्हें सपोर्ट मिला था ईशान किशन का जिन्होंने 35 रन के आसपास की पारी खेली थी। लोअर मिडिल ऑर्डर में हम देखें तो सूर्य कुमार यादव शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 34 रन इन्होंने भी बनाए थे। वेंकटेश अय्यर की तरफ से एक मजबूत पारी देखने को मिली थी, तो टीम के पास बैटिंग लाइनअप है, लेकिन यहां पर विराट कोहली और ऋषभ पंत की क्या भूमिका रहती है इस पर एक थोड़ा सा संदेह बना रहता है। अब दोस्तों फाइनल अगर हम देखें तो इंडियन टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे आर बैलेंस्ड, लेकिन फायर पावर के मामले में शायद कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज थोड़ा सा आगे निकलती है। चलिए बढ़ते हैं वेस्ट इंडीज खेमे की तरफ और नजर डालते हैं इनके लाइनअप पर। दोस्तों ब्रेंडन किंग और काइल मायर्स, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि टॉप ऑर्डर संभालते हैं। यहां पर काइल मायर्स से जैसी उम्मीद थी कि वो रन स्कोर करेंगे, उन्होंने किए, लेकिन एक बड़ी पारी खेलने में सक्सेसफुल नहीं रहे। हालांकि निकोलस पूरन ने 61 रनों की मजबूत पारी खेली और टीम को एक अच्छी पोजीशन पर लाने में अहम भूमिका निभाई थी। रोमन पॉवेल और रॉस्टन चेज 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि बड़ी हिटिंग करना जानते हैं, बट लास्ट मैच में दे वर नॉट सक्सेसफुल। लोअर मिडिल ऑर्डर में कायरन पोलार्ड काफी नीचे आते दिखाई दे रहे हैं, मिडिल ऑर्डर अगर पोलार्ड संभालेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। हालांकि इनके अलावा अगर हम देखें तो टीम में रोमारियो शेफर्ड यानी कि 8th डाउन तक का इनके पास फायर पावर मौजूद है जो कि टीम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद नजर आता है। वहीं अगर हम बॉलिंग अटैक पर जाए तो दोस्तों यहां पर कुछ मसला खड़ा होता है, क्योंकि ओडीआई में बॉलिंग अटैक ज्यादा
बेहतर रहा था, लेकिन हाल फिलहाल T20 मुकाबले में ओडियन स्मिथ फाबियन एलन दोनों ही महंगे साबित हुए हैं, प्लस अकील होसेन और रोमारियो शेफर्ड का भी जादू नहीं चला है। रॉसन चेज ने हालांकि 2 विकेट जरूर लिए थे लास्ट मैच में और उम्मीद होगी कि इस बार एक बेहतर लाइनअप और बेहतर रणनीति के साथ वेस्टइंडीज उतरेगी। लेकिन जहां तक बात है भैया फाइनल कंक्लूजन की, तो दोस्तों इंडियन टीम तो ये मैच अपने नाम करने वाली है और साथ ही अपने नाम करेगी T20 सीरीज। भाई आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है इस मैच को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।